चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं वेक्टर को हम लोग। आई होप कि आप बहुत ही बेहतर होंगे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं बेटा? वेक्टर तो बहुत टाइप के होता है। हमें फिजिक्स में जितनी नीड है उसको डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द वेक्टर विच बेसिकली यूज इन फिजिक्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं इक्वल वेक्टर। समझना इसको कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। नाम से कैसा लग रहा है, इक्वल। ठीक है, चलो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। अगर मैं दो वेक्टर बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, एक वेक्टर बनाया ये वाला। ठीक है, समझना इसको। अगर मैं दो वेक्टर बनाता हूँ, समझना, ये वेक्टर है जिनकी लेंथ ए बी सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों का लेंथ, इनकी जो लेंथ है, इनकी मैग्नीट्यूड ए बराबर बी बराबर सी बराबर 10 मीटर लेंथ है, और ये तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ईस्ट में। ठीक है, इधर ईस्ट में लग रहे हैं मान लो। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं इक्वल वेक्टर। सही, इक्वल वेक्टर दे मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। उन दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, इफ ए वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, इट्स बिकेम इक्वल टू इटसेल्फ। अब समझ रहे ना, खुद का वेक्टर खुद के बराबर हो सकता है। जैसे मान लो वेक्टर ए है, इसको उठा के मैं यहाँ रख दिया, तो वही खुद के खुद पैरेलल हो गया ना, इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि वही तो है, समझ रहे ना। तो ये वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, उनको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। और इसको लिखूंगा मैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। अगर ऐसा लिखा गया है कहीं भी फिजिक्स में ऐसा लिखा गया, तो आप समझ रहे हो कि ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। ठीक है, चलो इक्वल वेक्टर समझ में आ गया होगा। कोलिनियर वेक्टर समझो। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, द वेक्टर विच आर एक्ट अलोंग द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। सेम लाइन एंड सेम डायरेक्शन आर अपोजिट डायरेक्शन। देखो लाइन सेम होनी चाहिए। अब मेरे पास एक लाइन है यार, ये लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन में कुछ वेक्टर लग रहे हैं, जैसे मान लो एक वेक्टर इसी लाइन में लग रहा है ऐसे। ठीक है, एक इसी लाइन में लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो ए बी सी ये तीन वेक्टर हैं, समझ रहे ना। या ये ऊपर भी लगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर ये ऊपर लगेगा ए तो नीचे तो आ सकता है ना, इसको शिफ्ट को तो कर ही सकता हूँ। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में लगे, ठीक है, उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। आया बात समझ में? तो उनकी जो, अब जैसे मान लो बहुत सारे वेक्टर हैं, ठीक है, ये मैंने वेक्टर बनाया जिनका डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो ए बी सी इन सब का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर इनका सभी का डायरेक्शन सेम है, तो क्या मैं इनको किसी एक लाइन में शिफ्ट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं तीनों को एक लाइन में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में लगे उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। वो अब जो कोलिनियर वेक्टर है, इनके दो बेसिकली टाइप हैं। एक होता है पैरेलल वेक्टर, एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर का एक टाइप है। तो टू कोलिनियर वेक्टर आर सेम टू बी सेम डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन द मस्ट बी जीरो। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, चलो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई। एक वेक्टर इधर लगा, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे लगा पैरेलल वेक्टर। अब देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा, समझना इसको। पैरेलल वेक्टर, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और वेक्टर छोटू वाला सी है। तो ये जो छोटू वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, तो ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर सी पैरेलल टू वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ए बी सी क्या है, पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, पर अगर कोई नया वेक्टर आ गया, ये वेक्टर डी, तो डी पैरेलल थोड़ी है भाई, इनका लेंथ अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन तो सेम है ना। तो अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐसे वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जो इक्वल वेक्टर थे ऑलवेज पैरेलल वेक्टर होंगे, जो पैरेलल वेक्टर हैं वो इक्वल वेक्टर मे बी। ठीक है, चलो फ्री वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एक मिनट, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, एंटी पैरेलल वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट है। तो एंटी
पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए वो मैं इसमें डिस्कस करते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे कोलिनियर वेक्टर जो भाई, जैसे देखो ए, अब ये लगा ऐसे ठीक है, और ये लगा ऐसे ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी सी, अब ए और सी पैरेलल वेक्टर है, इनका डायरेक्शन सेम है, लेकिन ए और बी एंटी पैरेलल वेक्टर है ठीक है, अपोजिट वेक्टर नहीं, निगेटिव वेक्टर नहीं बोल सकते ठीक है, मतलब इनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग भी तो हो सकती है, तो ये एंटी पैरेलल, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है सिंपली। चलो जल्दी जल्दी समझ लो ये ठीक है ना, टाइप लिख लेना, नोट्स बना लेना, बढ़िया बढ़िया नोट्स बना लेना, छाप लो इसको, बढ़िया छपाई कर लो। द फ्री वेक्टर दैट हुज इनिशियल पॉइंट एट टेल इज नॉट फिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज नॉन लोकलाइज वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी वेक्टर। देखो द फ्री वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट टेल इज नॉट फिक्स। देखो कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड है, अगर उनको तुम चेंज करोगे, एक जगह से दूसरे जगह उठा के रखोगे ठीक है, अगर उनका ओरिएंटेशन बदल दिए ठीक है, या उनको समझ लो ना कहीं और उठा के रख दिए, बढ़ा दिए, तो वो वैक्टर मतलब बदल जाएंगे। उनकी फ्री वेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई गाड़ी जा रही है, ये एक ब्लॉक है ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है, मैं इसको कहीं भी कांस्टेंट है ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं इस वेक्टर को, और कांस्टेंट भी नहीं होगा तभी भी, इस वेक्टर को मैं कहीं भी रख दूं, ड्रा कर दूं इसके पैरेलल, तो उठा के रख सकता हूं, ऐसे वेक्टर को मैं बोलता हूं फ्री वेक्टर ठीक है। जल्दी जल्दी कर लो इसको। अब आता एंटी पैरेलल वेक्टर, समझा दिए एंटी पैरेलल वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर विच आर एक्ट इन एंटी पैरेलल एंगल बिटवीन दे मस्ट बी 180 डिग्री, अगर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। भाई एक्स ऐसे लगा, वाई ऐसे लगा, तो अभी समझाया हूं, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, थीटा इनके बीच का 180 डिग्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। चलो पोलर वेक्टर क्या होते हैं, दोज वेक्टर है स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पता है। देखो जैसे जितने भी वेक्टर हैं एक्सियल वेक्टर को छोड़ के, जितने भी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, जैसे मान लो कोई ब्लॉक है यार, ये ब्लॉक है, हमको पता चल गया कि इस ब्लॉक पे हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर एक फोर्स लगने लगा, भाई हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर पी पॉइंट पर एक फोर्स लगने लगा ठीक है। चलो तो हमें पता चल गया ना कि ये फोर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर लग रहा है भाई, इधर लगता चला जाएगा, इधर लग रहा है और इधर लगता चला जाएगा, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ लग रहे हैं वो पता हो। एक्सियल वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, दिस वेक्टर अफेक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रोटेशन। देखो अगर कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रही है ठीक है, जैसे मान लो एक पार्टिकल है इस लाइन में रोटेट कर रहा है, अभी इसका रोटेशन ऐसे है, और यही पार्टिकल अपना रोटेशन बदल लिया, समझना इसको, इसमें जो रोटेशन था वो ऐसे था ठीक है, इधर से पार्टिकल इधर एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पर रोटेशन कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था, और यहाँ पर जो है वो ऐसे है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चल रहा है ठीक है, एक यहाँ पर एक पार्टिकल ले लो, एक आइटम ले लो, आइटम ये आइटम है, एक आइटम बोले तो पार्टिकल ठीक है, कोई भी बॉल है, पॉइंट मास है ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, स्क्रू रूल थोड़ा सा ठीक है, स्क्रू रूल सबसे अच्छा, कर्ल रूल है, जिधर पार्टिकल चल रहा है, जैसे जिधर पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा है उधर ये वाला फिंगर घुमा दो, कर्ल वाला घुमा दो, भाई देखो अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है
ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ये जो कर्ल होती है इसको कर्ल बोलते हैं, ये जो कर्ल है उसको मैं घुमा दूंगा और थंब को ओपन कर दूंगा, तो जो थंब होगा वही सारे एक्सियल वेक्टर देगा। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज कर्लिंग कर दो, और थंब अगर ऐसे घुमा दोगे तो थंब ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज है तो कर्लिंग ऐसे करोगे, ठीक है, और थंब इसको ऐसे खोलोगे, ठीक है। तो थंब, ये जो कर्लिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में भाई। तो ये जो थंब है वो एक्सियल वेक्टर देगा। अब जैसे मान लो एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो भी एक्सियल वेक्टर आ रहा होगा, जैसे मान लो एंगुलर वेलोसिटी, तो अभी अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, अभी समझ रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज है, तो एंटी क्लॉक वाइज है तो जो एक्सियल, अगर बोर्ड में देखोगे, बोर्ड के प्लेन में देखोगे, तो बोर्ड के प्लेन में अगर एंटी क्लॉक वाइज होगा तो जो एक्सियल वेक्टर आएंगे वो बोर्ड के बाहर आएंगे, और अगर इसकी प्लेन में देखते ऐसे वाला प्लेन है तो ऊपर आएंगे, तो एक्सियल वेक्टर ऊपर आएगा, एक्सियल वेक्टर ऊपर आएगा, समझ रहे हो। इधर देखो, क्लॉकवाइज देखो, अगर क्लॉकवाइज देखोगे बोर्ड के प्लेन में देखोगे तो बोर्ड के प्लेन में एक्सियल वेक्टर अंदर आएगा, कर्ल कर्ल कर दो कर्ल, ठीक है। और अगर इसी के प्लेन में देखोगे, इसी के प्लेन में तो ऐसे आ रहा ना भाई, ऐसे आ रहा ना, नीचे आएगा, तो एक्सियल वेक्टर ये इधर एंगुलर वेलोसिटी ओवर है, ओमेगा ओवर है, इधर आएंगे, इधर एक्सियल वेक्टर आएंगे, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, ये एक्सिस होती है भाई, आ समझ में। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जो एक्सिस होती है एक्सिस में आना चाहिए, ठीक है। जो फैन है, फैन की एक्सिस में जो वेक्टर लग रहे हैं उनको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। टॉर्क हो, एंगुलर मोमेंटम हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, ये सब क्या है, एक्सियल वेक्टर होते हैं। इनको हम रोटेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका, समझना इसको, जो एक ही प्लेन में लगे, ठीक है। प्लेन क्या होता है, प्लेन, ठीक है, प्लेन एरोप्लेन नहीं भाई, प्लेन क्या होता है, ठीक है, किंगफिशर नहीं, एरोप्लेन नहीं। तो ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और इधर मैं y एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है ना। तो ये एक प्लेन है, इस प्लेन में दो वेक्टर हैं, ठीक है, वेक्टर x और वेक्टर y। अब वो कैसे रहते हैं हमें इसे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें पता है प्लेन a b c d, प्लेन a b, और एक वेक्टर z है, z जो इस प्लेन से बाहर है, बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है ना। तो जो जेड है वो बोर्ड के प्लेन में, जेड नाम का वेक्टर है जो बोर्ड के प्लेन में है, और एक्स और वाई उसी प्लेन में है। तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में रहे हैं उनको कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक्स एंड वाई आर कोप्लेनर, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर आर कोप्लेनर, एक्स एंड वाई आर कोप्लेनर, एक्स एंड वाई कोप्लेनर है, ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लगते हैं कोप्लेनर होते हैं। अब जो इसमें समझना, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, क्यों भाई, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर कैसे होंगे, इनको समझो। ये वेक्टर, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। तो अब भाई यहाँ एक इमेजिनरी प्लेन बनाया जा सकता ना, यहाँ एक इमेजिनरी प्लेन बनाया जा सकता है, ये इमेजिनरी प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है देखो, ठीक है। तो ये वाली जो प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, इसमें ये है। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे हो गया और दूसरा वाला वेक्टर ऐसे हो गया, तो यहाँ भी तो एक वर्टिकल प्लेन बनाया जा सकता है, ये प्लेन। तो इसमें तो अब ये कैसे भी रहे हैं यार, इसे हमसे मतलब नहीं है। जैसे मान लो एक ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गए, ठीक है, तो तभी भी वैसे, तो ये जैसे जैसे वेक्टर घूमेंगे, जैसे जैसे वेक्टर घूमेंगे, इस ये प्लेन इसके साथ इमेजिनरी प्लेन घूमता रहेगा, समझ रहे, ऐसे घूम गए। तो टू फ्री वेक्टर और ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। कंक्रुएंट और को इनिशियल वेक्टर, देखो ऐसे वेक्टर जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है। जैसे मान लो एक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से बहुत सारे वेक्टर निकले, ठीक है। अब नोट्स बनाओ, यहाँ ये वेक्टर ए है, बी है और ये सी है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी,
इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। और ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं, समझना, को इनिशियल वेक्टर या कंक्रुएंट वेक्टर, ठीक है, समझना। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे एक वेक्टर है एक्स नाम का, ठीक है, अगर मैं इनका इसको उल्टा कर दूं, इसको ऐसे थोड़ा जैसे ऐसे पलट दो यार, ठीक है, तो ये जो वेक्टर वाई बना नया, ये वाला वेक्टर नहीं है भाई, ये नया वेक्टर बन गया, इसकी डायरेक्शन बदल गई, ये दोनों इक्वल नहीं है। मैं कभी नहीं लिख सकता कि वेक्टर एक्स इक्वल टू वेक्टर वाई, लिखना गलत है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा वेक्टर एक्स इक्वल टू माइनस वेक्टर वाई, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है भाई, ठीक है, क्योंकि इनका डायरेक्शन ये एक्स एंड वाई इक्वल है, पर इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को निगेटिव वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, अपना खुद के, खुद जो वेक्टर है खुद, उसका सीधे डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसको मैं दूसरे लेक्चर में डिस्कस करूंगा, इसके आगे वीडियो देखना, और भी दो चार टाइप के इंपॉर्टेंट वाले जो वेक्टर हैं उनको मैं डिस्कस किया हूं।